हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ मैथ्स चैप्टर वन शेप्स एंड पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि आपको ड्रॉ करना है लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो क्वेश्चन आता है लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियोज में ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन आया है तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट या वो फिगर या वो शेप जो है वो दो बराबर टुकड़ों में टूट जाना चाहिए, बट जाना चाहिए। क्लियर है? यानी कि हमको ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जिससे वो दो इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर हिस्सों में टूटना चाहिए। ओके, तो ऐसी लाइन जो है वो आपको ड्रॉ करनी है इन द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए हुए कुछ फिगर्स में आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करनी है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फिगर में इस टाइप से लाइन ड्रॉ करूंगा तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे क्या? नहीं, ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा। तो इसलिए मैं अगर इस टाइप से लाइन ड्रॉ करूंगा, आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए जितना हिस्सा इधर है, जितना पार्ट इधर है, उतना ही पार्ट हमको इधर भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड फिगर है स्टार का। यहाँ पे थोड़ा सा शेप जो है मेरे साइड से थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है, बट आपके बुक में जो है वो प्रॉपरली दिया हुआ है, तो आप उसको उस हिसाब से सही तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इस स्टार के लिए अगर हम इस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको दो इक्वल पार्ट जो है वो मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जितना जो शेप या पार्ट है वो इधर है, उतना ही हमको इधर भी सेम शेप जो है वो मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वो है अल्फाबेट एच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो तरीके से आप लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात तो देखिए, अगर ऐसे ड्रॉ किया तो जितना हिस्सा ऊपर दिख रहा है उतना हिस्सा नीचे भी दिख रहा है, ये भी चल सकता है। दूसरा, अगर आप चाहें तो इसको इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एक ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, दोनों ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन्स बोला है तो एक से ज्यादा लाइन चल सकती है। तो देखिए ये लाइन से जो हमको दो हिस्से मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब ही होता है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करना जिससे कि हमको दो इक्वल हिस्से, दो इक्वल पार्ट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।